Thank you. Thank you. वेब सीरीज की दुनिया मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छी देन है क्रिएटिव लोगों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत अरसे से एक मुश्किल ये चल रही थी कि जो छोटी फिल्में हैं या जो बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व नहीं हैं उनको थिएट्रिकल रिलीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज़ जब आप थिएटर में फिल्म रिलीज़ करते हैं तो आपकी फ़िल्म जितनी चाहे छोटी हो, मीडियम रंग की हो, जो भी हो, वो कम्पीट करेगी बड़ी फिल्म के साथ ही, तो और उनके मार्केटिंग बजट्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो एग्जीबिटर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो ठीक से शो नहीं देते छोटी फिल्मों को, तो उसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल हो गया था बहुत क्रिएटिव लोगों के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए। अब वेब सीरीज़ के ज़रिए से एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक प्लेटफॉर्म मिलता है सबको, जिसमें ये जो थिएटर्स की भागदौड़ या जो इतनी बड़ी मार्केटिंग की जो थिएटर्स डिमांड करते हैं वो डिमांड नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर आज देखने को मिल रहा है, लोग देख भी रहे हैं। ऐसा ही कंटेंट फ्लिप के जरिए आ चुका है, तो आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस बुली का? फ्लिप विजय नाम्बियर का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया था कि उस चार शॉर्ट स्टोरीज एक बना के जिनमें एक आप कह लीजिए एक ट्विस्ट या एक बौखला देने वाली एक ट्विस्ट हो कहानी में, तो उसमें से एक के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था बुली के लिए, और मैं विजय के साथ बहुत देर से काम करना चाहता था, आइडियली मैं फीचर फिल्म पे करना चाहता था, बट उन्होंने शॉर्ट फिल्म दी, मैंने कहा चलो ठीक है एटलीस्ट भूत नहीं तो भूत का लंगोट सही, तो सो आई वाज वेरी कीन टू वर्क विद हिम एंड उनकी जो सिनेमैटिक सेंसिबिलिटीज़ हैं वो मैं बेहद पसंद करता हूँ, बहुत चंद ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनके साथ यू नो आपको लगता है कि नहीं ये दिस इज़ द स्पेस आई वांट टू बी इन, तो मैं बहुत खुश था कि उन्होंने मुझे रोल दिया एंड वी हैड फन मेकिंग द फिल्म ऑल्सो, उसमें कुछ है थोड़ा एक सररियल सा स्पेस है। बुली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं स्कूल से लेके कॉलेजेस तक कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत मैं बुली हुआ भी, थोड़ा बहुत मैंने बुली किया भी, वो इनएविटेबली होता है, वो आपको शायद चौंका रही हो बात, बट एक्चुअली ये होता है कि पीपल हु एक्चुअली गेट बुलीड ना वो फिर आगे जाके निकालते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट थैंकफुली मेरे केस में मैं ज़्यादा बुली भी नहीं हुआ ना ही मैंने ज़्यादा बुली किया, आई थिंक कहीं पे थोड़ी मेरी आप कह लीजिए मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सेंसिटिव थी बुली होने पे भी और करने पे भी, सो ज़्यादा नहीं हुआ, बट हाँ आई थिंक जहाँ तक फिल्म की कहानी का सवाल है बिल्कुल बुलिंग इज़ अ वेरी रियल थिंग और बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है लोगों के लिए, और मतलब आप कह लीजिए कि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिग सोशल इनजस्टिसेस जो बहुत अनचेक जाता है बिकॉज वो एक ऐसे एज ग्रुप के साथ होता है जहाँ पे ज़्यादा सोशली उसको ज़्यादा क्या कहते हैं जितना उसको पनिश करना चाहिए उतना नहीं होता, सो हम तो अक्सर कभी कभी कॉलेजेस में से कहानियाँ निकल कर आती हैं यू नो बुलिंग की वजह से क्या क्या होता है, बट उससे जो बिल्कुल बिल्कुल ही चौंका देने वाली कहानियाँ हैं उनसे कम भी बहुत होती हैं जो कोई नहीं सुनता, बट वो दे चेंज पीपल्स लाइफ, सो यस सो इट आई मीन बुली की जो कहानी है इट टोटली पॉसिबल। नहीं मैं उनके बारे में मेरे को अभी आइडिया नहीं है, मैं देखूंगा तो पता लगे। फ्लिप की अगर मैं बात करूँ हर कि जो जिसे मैंने बात किया
टेक यूज किया, क्योंकि हर किसी की लाइफ टाइम आता है जहाँ से उसकी लाइफ चेंज है। तो आप बताइए, हम ऐसा मानते हैं कि अब आपकी भी लाइफ चेंज हो चुकी है टोटल तरीके से? मेरी लाइफ बहुत बार चेंज हो चुकी है। सो आई डोंट थिंक किसी की लाइफ सिर्फ एक बार चेंज होती है। आई थिंक जो चेंज है, बदलाव है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है, और अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वजह से, अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और उसको मैं देखता हूँ कि फ़ाइट करने की जगह, मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप अपनाने की कोशिश करें तो बेटर है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ सोसाइटी में बुलिंग एक बिल्कुल एक अनवांटेड चीज़ है और नहीं होनी चाहिए। उसका कोई मुझे पॉजिटिव चीज़ कोई ऐसा दिखता नहीं है। वो एक जो एक्सक्यूज यूज़ होता है कि नहीं, सीनियर्स और जूनियर्स की बॉन्डिंग के लिए हम बुलिंग करते हैं। बॉन्डिंग के और बहुत तरीके हैं। मेंटरशिप आई थिंक इज़ अ बेटर थिंग टू इंट्रोड्यूस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या जहाँ पे यंग लोग हैं, बुलिंग के ट्रेडिशन की जगह मेंटरशिप के ट्रेडिशन शुरू करने चाहिए। जहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं या बड़े लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, वो छोटे लड़के लड़कियों को, दे विल टेक देम अंडर दे विंग एंड शो देम अराउंड पॉजिटिवली, इंस्टेड ऑफ के नहीं, यू नो, पावर प्ले में। बिकॉज मैं तो मानता हूँ इंसान की प्रॉब्लम ही ये है। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इंसानी प्रॉब्लम्स, वो इसी कोर से निकलती हैं कि अगर एक इंसान के पास दूसरे से ज़्यादा पावर होगी तो वो एग्जर्ट करेगा इनएविटेबली। तो ये सच्चाई है दुनिया की, और सब प्रॉब्लम्स आप देखेंगे वो इसी से निकलती हैं। चाहे आप ले लीजिए अपना फ्यूडलिज्म ले लीजिए, करप्शन ले लीजिए, कास्टिज्म ले लीजिए, क्लासिज्म ले लीजिए, जेंडर इनइक्वालिटी ले लीजिए, वो सब इसी से निकलती हैं। जहाँ एक आदमी के पास दूसरे के ऊपर पावर है, वो वहाँ पे ज़रूर एग्जर्ट करेगा, पावर ज़रूर प्ले करेगा। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, ये अगर हम कर्ब करना शुरू करें और उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना शुरू करें, जैसे कि मेंटरशिप में मैं कह रहा था कि अगर एक इंसान के पास दूसरे के ऊपर पावर है, तो लेट हिम बी द हेल्पर, यू नो। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ सोसाइटी में बदलाव मेजर ला सकती है, बट बुलिंग तो डेफिनेटली नॉट। आई उसका तो कोई पॉजिटिव ही नहीं मिलता दिखता मुझे। ये प्लीज़ एवरी वन, फ्लिप इज़ ऑन ईरोस नाउ। इट्स अ ग्रेट एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। प्लीज़ वॉच बुली एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज। थैंक यू।